फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह आप अपने छोटे बच्चों को बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर की पहचान कराएं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिगर नंबर कौन सा है या स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही स्टेप बाई स्टेप आपको बताती चलूँगी कि किस तरह से हम आपको बच्चों को बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर स्टेप बाई स्टेप अगर हम कराएंगे तो उनके माइंड में बहुत आसानी से फिट हो जाएगा और वो आगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि बिगर नंबर या स्मॉलर नंबर किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने इस तरह से ये बनाया है। बिग, पहले आपको बच्चे को बताना होगा बिग और स्मॉल की पहचान। बिग यानी बड़ा और स्मॉल यानी छोटा, ये हम सभी को पता है। ये बच्चे उसे इस तरीके से कह सकते हैं कि बिग पर क्रॉस लगाना है और स्मॉल पे राइट लगाना है। इस तरीके से कुछ आप पिक्चर्स दे सकते हैं बच्चों को। तो पहले आपके उसके बच्चे के माइंड में ये सेट हो जाएगा कि बिग कौन सा है और स्मॉल क्या होता है। जब ये बच्चे के माइंड में सेट हो जाए तब हम नंबर की तरफ चलेंगे। तो नंबर, अगर आपका बच्चा बिल्कुल शुरुआत से सीख रहा है तो नंबरिंग में आप बहुत छोटे छोटे नंबर लेकर चलिए, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से जो नंबर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हल्के हल्के नंबर बच्चों के हिसाब से वो लेकर चलिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे बहुत आसानी से इसको कैच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिया है 1, 3 और 2, इसमें से बच्चों को बताना है कि कौन सा बिगर है। तो बिगर बताने के लिए एक ये तरीका है, केवल इसको आप माइंड मत कीजिएगा कि ये तरीका है। बिगर यानी बा से शुरू है और बा से जो बिगर शुरू है, बा मीन्स बाद भी होता है, यानी जो नंबर बाद में आया वो बिगर है। बिगर बा से है और बाद भी बा से है, तो बा से आप कनेक्शन करके बच्चों को बिगर नंबर सिखा सकते हैं। तो देखिए, जैसे 1, 3 और 2, तो यहाँ पर 1, 2, 3 तो सभी बच्चों को आता है। तो सबसे बच्चे पहले बच्चे को कहेंगे कि 1, 2 और 3, तो 3 यानी सबसे बाद में बोला हमने, 3 इसमें से सबसे बाद में बोला, तो ये हमारा बिगर हुआ। इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि स्मॉलर भी साथ साथ सिखाएं तो स्मॉलर भी साथ साथ सिखा सकते हैं। यानी बिगर में आपको 3 पे सर्कल कर दिया और स्मॉलर में आपने राइट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप चाहें इकट्ठे सिखा सकते हैं, नहीं तो आप पहले बिगर सिखा दीजिए फिर स्मॉलर सिखा लीजिए। तो इस तरीके से हमें स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ना है। अब देखिए 5, 3, 4, तो 5, 3, 4, तो इसमें से सबसे पहले बच्चा कौन सा नंबर बोलेगा, हम बच्चे से कहेंगे आप सबसे पहले कौन सा नंबर आप बोलोगे, तो बच्चा कहेगा 3, फिर 4, फिर 5 आता है, तो 5 सबसे बाद में बोला, तो ये क्या हो गया, हमारा बिगर नंबर। इस तरीके से यहाँ पे मैंने नंबर लिया 9, 7, 8। अब हम बच्चों से कहेंगे कि 1, 2, 3 बताओ शुरू से। अगर बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है 9, 7, 8 में कौन सा सबसे पहले बोलेगा, तो आप 1, 2, 3, 4 से काउंटिंग कराइए उसे। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से आ जाएगा, बच्चों से कहिए यहाँ पे 7 सबसे पहले हम बोलते हैं, 7, 8, 9, तो 7 सबसे पहले आया और 9 हमने सबसे बाद में बोला, तो सबसे बाद वाला बिगर। इस तरीके से यहाँ पर देखिए 9, 5, 7, तो जब बच्चा बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 यहाँ पर भी सबसे बाद में बोला, तो 9 इज़ द बिगर नंबर। अब जब बच्चा एक एक डिजिट वाला ये सीख जाता है तब हम उसके दो दो डिजिट पर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 1, 11, 1, 3, 13, 1, 2, 12, तो पहले इसको सिखाने का मेथड ये होता है कि सबसे पहला नंबर ये देखा जाता है। पहला नंबर इसमें देखिए 1, 1, 1, इसमें सब में दो दो डिजिट में सबसे पहले में 1 है, यानी ये 1 तो कोई ना कोई हो ही सकता है, 1 तो सभी में है, तो इसलिए इन तीनों में से कोई भी अभी बिगर हो सकता है। अब देखिए दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे 1, 3, 2, तो इसमें से 1, 3, 2, अब पहला वाला नंबर नहीं देखना है क्योंकि हमारा पहला वाला नंबर सब में सेम है, इसीलिए अब हमें आगे वाले नंबर देखने हैं 1, 3, 2। तो अब आपने जब यहाँ पर आप सिखा चुके हैं 1, 3, 2, तो यहाँ पर भी बच्चा बहुत आसानी से कर लेगा 1, 3, 2, तो 3 वाला सबसे बाद में हम बोलेंगे क्योंकि 1, 2, 3 बोलते हैं, और तो 3 वाला हम सबसे बाद में बोलेंगे, तो 1, 3, 13 हम सबसे बाद में बोलेंगे, तो ये हमारा बिगर नंबर हो गया। इस तरीके से आप देखिए, एक और एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये तो सारे हमारे एक ही उसके हो गए, एक ही डिजिट के हैं। अब नेक्स्ट, अब इसको हमें फिर छोड़ देना है जब एक ही डिजिट के हैं, तो अब हमें नहीं देखना, अब हमें आगे वाले नंबर देखने हैं 2,
5, 4, तो 5 ऑब्वियसली बाद में आता है, जो हम पहले सिखा चुके हैं बच्चों को, 1, 2, 3 करके आप काउंट करा लीजिए, और ये 5 सबसे बाद में आया है, तो 5 हमारा बिगर नंबर, 25 हमारा बिगर नंबर हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, तो आप बच्चों से कहेंगे यहाँ पर देखिए पहला जो लेटर है, ये पहला जो डिजिट है, ये अलग अलग है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 3 दे रखा है, तो पहले आप डिजिट में इन दोनों में ये देख लीजिए 2, 2 और 3, तो यानी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 2 का है और ये 2 का है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए, ये 3 का इनसे बड़ा आ गया तो ये 3 का है, तो 3 वाला और 3, तो ये जब हमारा ये पहला वर्ड ही, पहला डिजिट ही हमारा बड़ा आ गया, तो हमें आगे की डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बता रही हूँ आगे कि किस तरह हम अपने बच्चों को सिखाना है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2, 3 और 5, तो 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा आ गया 3 और उससे बड़ा आ गया 5, तो सबसे छोटा ये वाला तो हो ही नहीं सकता बिगर, ये भी नहीं हो सकता बिगर, और ये 5 हमारा सबसे बड़ा है, इसके आगे कोई भी डिजिट हो तो ये हमारा बिगर ही होगा, क्योंकि पहला में हमने पहले डिजिट में ही हमने देख लिया कि ये 5 हमारा बड़ा आ रहा है, तो इसके बाद 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी नंबर हो, ये हमारा बिगर का बिगर ही रहेगा। इस तरीके से आगे देखिए, एक एग्जांपल मैंने ये लिया है 42, 36 और 27, तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 2, तो 2 हमारा सबसे पहले आता है, हमने बच्चों को पहले ही माइंड में बता दिया है कि ये 2 सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, तो ये दोनों नंबर तो आ ही नहीं सकते बिगर में, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है और ये 4 वाला ही आएगा, क्योंकि 4 सबसे बाद में आ रहा है इन तीनों में, तो ये हमारा बिगर नंबर हो गया। एक एग्जाम्पल एक देखिए ये और है, इसमें ये देखिए 3, 2, 1, इसमें क्या हो गया 3, 2, 1 में, ये 3 सबसे बड़ा है, 2 से छोटा है, 1 सबसे छोटा है, तो 1, 2, 3 इस तरीके से हो गए, तो ये दोनों तो नंबर आ ही नहीं सकते, और ये देखिए 3 वाला सबसे बड़ा है, तो ये नंबर आ जाएगा, और आगे का कोई भी नंबर हो, मैंने आपको बताया कोई भी डिजिट हो या एक सी डिजिट हो, वो कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ आगे वाला नंबर आपका मायने रखता है, तो ये हमारा बिगर हो गया। तो इस तरीके से आप डेली अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, और इस तरीके से और भी शीट्स आप बना लीजिए, डेली कराएंगे तो आपके बच्चे के माइंड में एकदम फिट बैठ जाएगा। मुझे लगता है ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके बच्चे को ज़रूर समझ में आ गई होगी, और अगर आपको थोड़ी भी इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है ये वीडियो, और कुछ बताने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी मुझे बताइएगा। और इससे भी अगर आप बड़े बड़े जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं, अगर वो भी आप सीखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।